तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम फैज और फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। इसमें आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आप डिजाइन की कॉपी किस तरीके से की जाती है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके यहां पर विंडो में दो पीस आपके लग रहे हैं और वो सेम डिजाइन है, तो अगर हम उसकी कॉपी करेंगे यानी कि अगर वो इसमें से एक ग्लास टूट जाता है और एक ग्लास बिल्कुल सही है, तो आपको ये जब टूट जाता है बिल्कुल एकदम चूरा चूरा इसका ग्लास का हो चुका है, तो हमें अगर डिजाइन बनाना है और सेम बनाना है बिल्कुल, तो हमें इस ग्लास को हमें वहां से उतार के लाना पड़ेगा। उसके बाद हम कॉपी किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। इजिली मेरे पास एक ग्लास है जो कि वो टूट गया है और उसकी कॉपी करके मैं सेम टू सेम बनाकर उसके साइड में लगा दूंगा, तो वो बिल्कुल सेम दिखेगा। अगर हम इसकी कॉपी नहीं करते हैं, अगर हम अपने हिसाब से बनाते हैं डिजाइन, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें यह होता है कि हम जब डिजाइन बनाते हैं 19 से 20 का फर्क आ जाता है, तो इसलिए मुझे इसकी कॉपी करनी है ताकि एकदम सेम दिखाने के लिए। दोस्तों अगर मेरी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी आई बटन पर जाकर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आई बटन दिख रहा है, यहाँ पर जाकर आप सिंपली आप वहां पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको, जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे तो वहां आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी, तो आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मेरी वीडियो है किस टॉपिक पे है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये है मेरा ग्लास कॉपी कटिंग पे है, ग्लास है, इस पर मैंने ये स्टिकर लगा लिया है। और अगर आप जैसे कि देख रहे हैं आप ये कॉपी में करने जा रहा हूँ, तो दोस्तों कॉपी का मतलब ये होता है, अगर आप जैसे मेरा आपका ये पीस देख रहे हैं टूटा हुआ, तो ये अगर टूटा हुआ इतना है अगर टूटा हुआ कि कॉपी हो सकती है, तो आप इजीली उससे ही कॉपी कर सकते हैं। और अगर आपको पीस दिख रहा है कि आपको के बिल्कुल चूरा हो चुका है यानी कि बिल्कुल एकदम टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, तो उसकी कॉपी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए आपको क्या करना है कि जो इसके साथ जो पीस लगा हुआ है ऑलरेडी दूसरी खिड़की में, तो वहां से आपको वो शीशा निकाल के लाना है, तो उसके उस पर रखकर कटिंग करनी है यानी कि उसकी कॉपी करनी है, जैसे मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ कटिंग। और दोस्तों ये कटिंग भी कहलाई जाती है, और आप जो ये जो मैं कर रहा हूँ ये है कॉपी और कटिंग, दोनों चीज़ें ये कहलाई जाती हैं। तो दोस्तों इसी तरह से मुझे सारी कटिंग करनी है यानी कि कॉपी, क्योंकि जब मैं अगर इस पर सेम कटिंग करूंगा तो ये एकदम कॉपी हो जाएगा, ये 19-20 भी नहीं कहलाया जाएगा, ये डायरेक्ट अगर 20 है तो पूरा 20 ही कहलाया जाएगा। और इसी तरह से कलर भी मुझे मारना है, जो कि मैं कलर भी मारूंगा, जो कि मैं आज अभी आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं कलर मार के भी। तो दोस्तों इसी तरह से मैं पूरी वीडियो बनाता रहता हूं ग्लास से रिलेटेड। और आपको भी अगर देखनी हो, जैसे मैंने अभी पीछे आप वीडियो में बताया है कि आप अगर आई बटन पर जाएंगे तो वहां पर आपको मेरी सारी वीडियो मिल जाएंगी, या जो भी आई बटन पर लगी होगी वो ऑटोमेटिक आपको आई बटन पर क्लिक करते ही आपको इजीली मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इसमें स्टिकर मैंने लगा के नहीं दिखाया जाए, यानी कि जो लेमिनेशन पर कटिंग कर रहा हूँ वो लगा के नहीं दिखाया है, तो आप इजीली जाकर मेरी वीडियो में और वीडियो में देख सकते हैं। तो इसी तरह से मुझे सारी ये कॉपी करनी है यानी कि कटिंग करनी है सेम तरीके से, और सेम तरीके से कॉपी कटिंग करने के बाद दोस्तों मुझे क्या करना है फिर उसके बाद इसमें, तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं लगभग कटिंग हो ही चुकी है, थोड़ी बहुत कटिंग जो रह गई है वो मैं भी पूरी करने वाला हूं। और इसकी पूरी कटिंग करने के बाद फिर हम इसमें जो करेंगे जो इसमें कलर है यानी कि जैसे आप डंडी में देख रहे हैं हरा कलर है, और फूलों में देख रहे हैं पिंक कलर है, थोड़ा सा शेड है रेड का, और कली में भी है इसमें रेड और पिंक कलर है, जो भी है दोस्तों कलर मैं आपको इजीली आपको इसमें करके भी दिखाऊंगा, मगर दोस्तों मैं सिर्फ कॉपी के हिसाब से बना रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है पूरा कटिंग से, यानी कि कॉपी कर ली है हमने इसकी। अब हमने नीचे का शीशा निकालकर डायरेक्टली कलर अब यूज करने वाले हैं। अब पहले हमें इसे निकालना है, जैसा आप देख रहे हैं जो जहां जहां मुझे ग्रीन कलर मारना है यानी कि डंडी जो होती है वो ग्रीन देनी है मुझे, तो मैं इजिली डंडी पहले निकालूंगा, ग्रीन करना है मुझे। और तो दोस्तों जब मैं ग्रीन कलर करूंगा जैसा कि आप देख रहे हैं इसी तरीके से, आप मैंने ये शीशा जो है इसके सामने रख दिया है ताकि मुझे पता चलता रहे कौन कौन सी चीज़ में कौन कौन सा कलर है, क्योंकि मुझे इसकी कॉपी करनी है। और अगर अपने हिसाब से होता तो दोस्तों मैं अपने हिसाब से इसमें कलर मारता, तो मुझे जो मारना है सेम उसकी तरह ही कलर मारना है, क्योंकि इसमें कलर सेम लगेगा तभी उसकी कॉपी दिखेगी। तो कॉपी का मकसद दोस्तों ये था जो मैं आपको मैंने वीडियो दिखा रहा हूँ मैं ये। तो अगर आप भी, ये मेरा नया टॉपिक यानी कि कॉपी करने का है, तो दोस्तों इसमें इसी तरह से मैं कलर वलर सब कलर ये डाई आती हैं सब कलर इसी तरीके से मैं इसमें डालकर यूज करता हूँ, देख सकते हैं हिसाब। तो दोस्तों ये जो मैं कर रहा हूँ इसे बोलते हैं शेड, यानी कि हम इसमें लाइनिंग और शेड देंगे ताकि जो उसमें है वो ही सेम करना है थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों मैंने कॉपी तो बिल्कुल कर ली है, कॉपी में बिल्कुल सेम दिखेगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, शीशा भी इक्वल होता है और डिजाइन कटिंग हमें कॉपी करनी होती है, लगभग कलर भी एक ही लग जाता है कंप्लीट
कलर भी कंप्लीट हो जाता है, मगर मेन जो इसमें काम है वो है इसका डिजाइन, यानी कि डिजाइन सेम दिखाना है हमें। तो इसलिए जब आप इसे उसके ग्लास के बराबर में लगाएंगे, जो कि आपका ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, ये टूटा हुआ ग्लास जो टूटा हुआ जो बनाया है आपने, तो जब उसके सामने लगाएंगे तो इजिली आपको बिल्कुल एकदम प्रॉपर दिखेगा और कोई भी थोड़ा 19-20 नहीं दिखेगा। तो इसलिए मेरा ये टॉपिक था वीडियो बनाने का। तो दोस्तों इसे अगर अच्छी लगे तो यार इसे जरूर लाइक जरूर करना और कमेंट में भी जरूर लिखना दोस्तों कि कैसी लगी आपको। और मेरा यही टॉपिक था लगभग, देख सकते हैं आप इसमें फूल दोनों ही हो चुके हैं लगभग लगभग, और ये कलियां हैं थोड़ी थोड़ी, दो कली हैं इसके और ये छोटी छोटी सी कली हैं जो छोटी छोटी बनाई है मैंने, और ये देख सकते हैं आप इसी तरह से दोस्तों सब है। और इसमें जो अब दोस्तों मैं जो मारूंगा जो ग्रीन में कलर जो माना है मैंने, जहाँ जहाँ मैंने थोड़ा थोड़ा छोड़ा है, यहाँ पर जो मुझे शेड देना है वो है हमारा कलर ऑरेंज का जो शेड देना है, जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे ग्लास में ग्रीन पत्ती में जो थोड़ा सा आगे शेड है इसका ऑरेंज, और पत्ती में जो जो पत्ती है उसमें ऑरेंज शेड दे रखा है जो कि मैं आप देख सकते हैं आप मैं मार रहा हूँ ऑरेंज शेड। तो इसी तरीके से कॉपी होती है दोस्तों, मेरा यही मकसद था आपको बताने का कि कॉपी किस तरीके से होती है, क्योंकि ये मैं बताना चाहता था। तो दोस्तों ये मेरा टॉपिक है कॉपी का, और दोस्तों मैं ये आपको नहीं दिखाऊंगा कि बनने के बाद कैसा लगा, क्योंकि दोस्तों सिर्फ मैंने ये आपको कॉपी करके दिखाया है दोस्तों। और अगर आप भी देखना चाहते हैं कंप्लीट काम के किस तरीके से होता है, बाकी सब वही लेकर लगता है और वाइट थोड़ा सा वाइट पेंट का इसमें यूज़ किया जाता है हल्का हल्का, और बाकी बस कुछ नहीं होता है, स्टिकर छुटाया शीशा तैयार हो जाता है। तो मेन मकसद जो था मेरा था ये कॉपी का जो मैंने आपको बताया है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज यार इसे एक लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे ये होगा जब भी कभी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और मैं ऐसी ग्लास से यूनिक यूनिक वीडियो बनाता रहता हूँ, यूनिक यूनिक भी डिजाइन बनाते रहता हूँ दोस्तों। जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी आप देखेंगे तो आप उसमें कमेंट्स में कर सकते हैं कि मुझे पसंद आई है, या अगर पसंद नहीं आई है तो वो भी लिखें। और दोस्तों मैं मेहनत करता हूँ तो ऑब्वियसली आपको शायद पसंद आ जाए, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि वीडियो को जरूर देखें पूरा। अगर मान लीजिए आप लिख रहे हैं कि अच्छी है तो मैं और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखे हैं दोस्तों। तो चलता हूँ, शब्बा खैर और जय हिंद।